सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री गणेशाय नमः। सिंह राशि के जातकों, राशिफल पंचांग में आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों, छाया ग्रह राहु और मंगल की युति हो रही है 27 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 तक, जिसके कारण अंगारक योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। सिंह राशि वालों, मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 27 जून को, अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से छाया ग्रह राहु विराजमान है। राहु और मंगल की युति का प्रभाव सिंह राशि के जातकों के जीवन शैली पर भी पड़ने जा रहा है। तो आज आपको राशिफल में विस्तार से सिंह राशि वालों बताएंगे कि आपकी नौकरी, व्यापार, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य किन क्षेत्र में लाभ का योग बन रहा है, कहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और किन बात को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ में आपको बताएंगे कि इस अवधि में कौन सा उपाय आपको लाभ दे सकता है। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और ग्रहों की चाल पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिले। सिंह राशि वालों, मंगल ग्रह आपकी राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव जो है वो भाग्य और विदेश का भाव होता है। सिंह राशि वालों, जिसके कारण से भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, वहीं आपके जो भी कार्य अटके पड़े थे वह सारे काम आपके पूरे होंगे। सरकारी कार्य जो आपके बहुत दिन से पेंडिंग पड़े थे वह भी आपके समय पर पूरे होंगे। वहीं हम बात करें नौकरी करने वाले जातकों की, आमदनी में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, व्यापारियों को लाभ का योग बन रहा है, कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं जो आपको भविष्य में लाभ दे सकता है। सिंह राशि वालों, मंगल का शुभ प्रभाव मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, वहीं आय में वृद्धि हो सकती है, धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है, धार्मिक यात्रा का योग सिंह राशि वालों आपके लिए बन रहा है। मंगल का गोचर शुभ परिणाम लेकर आपके लिए आएगा, रुके हुए सभी कार्य आपके पूरे होंगे और धन लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं हम बात करेंगे कि आप पैसों से के कारण जो भी कार्य आपके लंबित पड़े थे वे सभी कार्य आपके पूरे होंगे। नौकरी में आपके अनुकूल वातावरण रहेगा, पुराना आपने यदि निवेश किया है तो निवेश भी आपको लाभ दे सकता है। वहीं अंगारक योग का जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है कह सकते हैं, वो भी सिंह राशि वालों के जीवन में इस अवधि में पड़ सकता है। तो यहाँ पर कोई भी कार्य आपका बनते बनते बिगड़ सकता है, तो इसके लिए आपको खास करके जो नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें और क्रोध पर, वाणी पर अपने नियंत्रण रखेंगे तो आपको लाभ होगा। वहीं किसी भी तरह के वाद विवाद से आप दूर रहें। वहीं बात करें जो व्यापारी हैं, जो नौकरी करने वाले जातक हैं, दूर की यात्रा हो सकता है आपको रद्द करनी पड़ी, तो समय यदि आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, कोई डील हो सकता है आपका कैंसिल हो जाए और वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा सावधान बरतने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य पर, खास करके अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि अंगारक योग का यह दुष्प्रभाव भी सिंह राशि वालों के जीवन पर पड़ सकता है। तो अब आइए आपको हम बताते हैं कि इस अवधि में आप कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन में आने वाले जो भी विघ्न बाधाएँ हैं वह नहीं आएंगी और आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वह भी समाप्त होंगी। सिंह राशि वालों, नियमित रूप से आप बजरंग बली की पूजा अवश्य करें, खास करके आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बजरंग बली की पूजा ज़रूर करें। और सिंह राशि वालों, हो सकता है तो आप मंगल जो है वो व्रत करें, मंगल व्रत में कुछ नहीं करना है, बस स्नान दान करके लाल वस्त्र धारण करें और बजरंग बली के समक्ष आप धूप दीप जलाकर और उनके समक्ष आप लाल पुष्प चढ़ाएं और तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं और आप किष्किंधा कांड का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ें और उसके उपरांत आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। हनुमान जी को आप चमेली के तेल में लाल चंदन मिलाकर उससे तिलक करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएँ आ सकती हैं वह समाप्त हो जाएंगी। ग्रहों का जो दुष्प्रभाव इस अंगारक योग के निर्माण से आपके राशि पर पड़ सकता है तो यह जो है टल जाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा
और आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप अपने विचार अपने कमेंट समय लिखकर भेजेंगे और कमेंट में आप जय बजरंगबली जरूर लिखें, इससे आपको लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, अगले राशिफल कार्यक्रम में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।